Hi viewers, this is Fatima. If you like my recipes, go ahead and click on the subscribe button. Next to it, you will see a bell icon. By clicking on that, you will get notifications for my recipe first and free. If you like the videos, give me a thumbs up. अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूँ फातिमा। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रूट चाट। हम यहाँ पे दो तरह की फ्रूट चाट बनाएंगे, एक क्रीमी फ्रूट चाट बनाएंगे, एक जूसी फ्रूट चाट बनाएंगे। यहाँ पे मैंने फल लिए हैं, दो तरह के मैंने सेब लिए हैं, एक लाल और एक हरा। उसके साथ मैंने लिया यहाँ पे अंगूर, कीवी, मौसम्मी, अनार, नाशपाती, अमरूद, आम, केला। यहाँ पे मैंने एक पाउंड लिया है ये पाइनएप्पल टिन वाला। यहाँ पे मैं दो बेरीज यूज़ करूँगी, जो एक ब्लू बेरीज है और एक रसबेरी है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम जो क्रीम फ्रूट चाट बनाएंगे उसके लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कंडेंस मिल्क। मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क यूज़ करूँगी। आप जितना मीठा खाना चाहें आप उतना डाल सकते हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ पे टेबल क्रीम यूज़ करूँगी, टिन डालूंगी, ये है 7.6 फ्लूड ऑन्स। आप चाहें तो फ्रेश भी क्रीम ले सकते हैं। यूज़ करेंगे 1 टेबल स्पून दही। तो ये हमारी क्रीम फ्रूट चाट के लिए। और जो हम जूसी फ्रूट चाट बनाएंगे उसके लिए हमें यूज़ करना होगा 1 टेबल स्पून जेली, जो कि मैंने यहाँ पे रसबेरी फ्लेवर की ली हुई है, 1 टेबल स्पून शक्कर, पिंच ऑफ सॉल्ट, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, और उसके साथ ही मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून शहद यूज़ करूँगी, बल्कि हसबे ज़ायका आप जितना डाल सकते हैं डाल लें आपके टेस्ट के हिसाब से। 1 कप मैंने यहाँ पे ऑरेंज जूस लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे रेजिन्स लिए हैं। तो चलें इसको बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे हमने अपना बाउल ले लिया है, इसमें हम सबसे पहले अपने पाइनएप्पल्स डालेंगे। के साथ इसमें हम अपनी ब्लूबेरीज डालेंगे। तो मैं इसमें यहाँ थोड़े से ही डालूंगी, आपको जितने पसंद हो आप डाल सकते हैं। बाद इसमें मैं रसबेरी डालूंगी। इन सबको मैंने पहले से वॉश कर लिया था। कि व्यूवर्स, यहाँ पे हमारे ये सारे फ्रूट्स कट गए हैं। अब हम इसको अपने बाउल में डालेंगे। बाउल में डाल दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 बॉल में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें एक जूसी फ्रूट चाट बनाना है और एक हमें क्रीमी फ्रूट चाट बनाना है। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेंगे इन 2 बाउल में। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने अपने फ्रूट्स को दोनों बाउल में सेपरेट कर लिया है। तो सबसे पहले हम जूसी फ्रूट चाट बनाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून शक्कर और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और पिंच ऑफ सॉल्ट डाल देंगे सबसे पहले। के बाद इसमें हम ऑरेंज जूस डालेंगे। के बाद इसमें हम थोड़ा सा शहद डालेंगे, ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून। चलें, अब यहाँ पर हम अपनी क्रीम चाट को बना रहे हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक सबको एक साथ मिक्स कर लिया है। इसमें मैंने कंडेंस मिल्क, दही, टेबल क्रीम और जेली को डाल के मिक्स कर लिया है और हम इसमें अब डाल देंगे।
हमने इसको क्रीम को डाल दिया है, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। व्यूअर्स यहाँ पे हमारी फ्रूट चाट रेडी है, क्रीमी फ्रूट चाट और एक जूसी फ्रूट चाट। तो चलें अब इसको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसी बनी है। बहुत ही यूनिक टेस्ट है इसका और मीठा बिल्कुल मुनासिब है, बहुत ही क्रीमी है, बहुत ही मज़े की है। तो चलें अब मैं जूसी फ्रूट चाट भी टेस्ट करके बताती हूँ आपको कि वो कैसी बनी। देखें आप इसमें कितना जूस है, कितनी जूसी है। खट्टी मीठी है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही ज़्यादा जूसी है, बहुत मज़े की है। आप इस रेसिपी को प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।